नमस्कार दोस्तों, निरोग जीवन संस्थान के YouTube चैनल आरबीएल मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट अबोहर से आ रही है। यहाँ पर श्री श्याम बिहारी मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। जिस प्रकार से यहाँ पर शोभा यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है, शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। हाथ में ध्वज पकड़कर 1100 ध्वज वाहकों द्वारा शहर की परिक्रमा की गई। जिस प्रकार से यहाँ पर माहौल बना हुआ है, आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। हमारे प्रतिनिधि गुरनाम संधू व ज्योति की यह रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। अबोहर की पुरानी फाजिलका रोड में श्याम विहार कॉलोनी स्थित श्री श्याम बिहारी मंदिर में मूर्ति स्थापना के 16 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्री श्याम संकीर्तन महोत्सव का आयोजन 14 से 16 फरवरी तक किया जा रहा है, जिसकी पिछले करीब एक माह से तैयारी चल रही थी, जो लगभग पूरी हो चुकी है। इस बारे में जानकारी देते हुए मंडल के सदस्यों ने बताया कि मंडल द्वारा पिछले 25 वर्षों से श्री श्याम महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत हर बार नए नए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस बार यहां पर 1100 ध्वज वाहकों को बाजार में लाया गया है। शोभा यात्रा यहां पर निकाली जा रही है। यह शोभा यात्रा अबोहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी, जिसका जगह जगह पर स्वागत किया गया। दिक्कत से हाथ में ध्वज पकड़कर 1100 ध्वज वाहक इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। श्री श्याम बिहारी मंदिर के मूर्ति स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जा रहा है। अबोहर में यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। में 16वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर आसपास के तकरीबन 15 गांवों से झांकियां पैदल हो जाए बाबा के दरबार में आई है। उनमें लगभग हमने 1100 ध्वजाएं चढ़ाने का लक्ष्य रखा हुआ है, और तकरीबन बाबा की कृपा से हमारी जो यात्रा का लक्ष्य है लगभग पूरा हो गया है। सभी श्याम प्रेमी दूर दूर से पैदल, कोई 25 किलोमीटर से पैदल आ रहा है, कोई 15 किलोमीटर से आ रहा है, सब अपने डीजे के साथ नाश्ते पूछते हुए आज उसी भोजन में आ रहे हैं। उनके लिए हमने खाने पीने के लिए बताने की व्यवस्था, साथ में हमने इधर हमारे जो प्रोग्राम में SDM पूनम सिंह जी मुख्य अतिथि के तौर पर भी बुला रहे हैं। बाकी सभी प्रेमियों के आशीर्वाद से, सहयोग से हमारी यात्रा बाबा की कृपा से दारू रूप से अभी शुरू हुई है। बाकी बाबा की इच्छा है, कहाँ तक लेके जाएगा बाबा, जय श्री राम। केड़ा केड़ा रोड जाएंगे सर? ये जी मेन रोड पे जाएंगे हम, यहाँ से सर्कुलर रोड, फिर हाई सेकेंडरी स्कूल के पास, फिर गौशाला रोड, उसके बाद सिटी वन, फिर 9 नंबर और 4 नंबर बाजार में से होते हुए वापस श्याम बिहारी मंदिर में। किनमी यात्रा सारे? लगभग यात्रा हम 10 सालों से निकाल रहे हैं, वैसे ये 16वां स्थापना दिवस है हमारे इस मंदिर का। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਹਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਜਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਆਪਕੋ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਬਾਬਾ ਕੇ ਲਗੀ ਹੋਈ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ। ਸਭੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕਰ ਸਭੀ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੇ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕਾ ਹਮਨੇ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਬੜੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭੀ ਭਾਈਓ ਕਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀਓ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ मंदिर का 16वां मूर्ति स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत यह 10वीं शोभा यात्रा यहां पर आयोजित की जा रही है। पिछले 10 साल से यह शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से निकाली जाती है, जिसमें शहर वासियों सहित शहर की विभिन्न संस्थाएं उनका सहयोग कर रही हैं। जिस प्रकार से 1100 ध्वज वाहकों ने हाथ में ध्वज पकड़कर यह शोभा यात्रा निकाली है, अबोहर में यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। श्री श्याम बिहारी मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यह शोभा यात्रा यहां पर निकाली जा रही है। अबोहर में पिछले 25 वर्षों से श्री श्याम महोत्सव मनाया जा रहा है। श्री श्याम मंदिर द्वारा
16 वर्ष पूर्व यहां पर मूर्ति स्थापना की गई थी, जिसके उपलक्ष्य में आज यहां पर महोत्सव मनाया जा रहा है। यह 3 दिवसीय महोत्सव यहां पर जारी रहेगा, जिसका समापन 16 फरवरी को होगा। देख किसका से हाथ में ध्वज लेकर शाम भगत शहर में एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, शहर की परिक्रमा कर रहे हैं। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल।